कौमी असेंबली इजलास की कार्रवाई को कैसे बेहतर बनाया जाए। हुक्मरान जमात मुतहरिक, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी की बैठक अब से कुछ देर बाद लगेगी। कौमी असेंबली का इजलास आज फिर होगा। मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा आरई, बजट किताबों के बाद बोतलें भी चल गईं। अपोजिशन लीडर बजट तकरीर मुकम्मल ना कर सके, सैनिटाइजर की बोतल अकरम चीमा की आंख पर लगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, तहरीक नाकाम बनाने की मंसूबा बंदी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान वोटिंग के दौरान ऐवान में नहीं होंगे। अपोजिशन को 172 अरकान पूरे करने होंगे। ऐवान में अपोजिशन अरकान की तादाद 163 है। इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए पुरअज़्म है। धांधली रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी असासा हैं, उनको इंतखाबी अमल में लाजमन शरीक बनाएं, इंतखाबी असलाहत का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। बजट में नज़रअंदाज करने पर अपोजिशन का बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरना तीसरे रोज भी जारी। अपोजिशन की कॉल पर कौमी शाहराह ब्लॉक कोयटा पंजाब शाहराह कचलाक के मकाम पर बंद। इमरान खान ने मजदूरी 20,000 रुपये मुकर्रर करके 700 अरब के टैक्स लगाए और कहा कि अजीज हम वतनों, हाँ मुल्क तरक्की कर गया है। बिलावल भुट्टो का वार, कहा सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी में 17% की कमी। खाने पीने की अशिया में 25% इजाफा तब्दीली का असल चेहरा है। महंगाई का ऐसा सुनामी आएगा जिसके बाद अवामी रद्द अमल को रोकना इमरान खान के बस में न होगा। बगैर कमीशन पास अफसरान के लिए मुस्तकिल किया जा सकता है। हुकूमत कैसे कानून को बायपास करके ये इकदाम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पर तकरूरी और रेगुलराइजेशन केस में इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए, ये पब्लिक सर्विस कमीशन पास अफसरान के साथ इम्तियाजी सलूक होगा, इस तरह तो कल किसी को भी अफसर बना दिया जाएगा। मेडिकल फौरी बहाल किया जाएगा, पेंशन एलपीआर और दीगर फंड्स भी बहाल किए जाएं। वाटर बोर्ड मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील। मुलाजमीन का इदारे में करप्शन की तहकीकात, ईमानदार अफसर को MD तैनात करने का मुतालबा। सखर कश्मोर शिकारपुर और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची में आज शाम से 19 जून तक तेज़ और हल्की बारिश का इम्कान, गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, मजीद 46 अमवात, तादाद 21,874 हो गई। 1,119 नए केसेज रिपोर्ट, मुस्बत केसेज की शरह 3% रही। और अबूधाबी में जारी PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफर इख्तिताम को पहुंचा। मुल्तान सुल्तान से शिकस्त के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ मरहले की दौड़ से बाहर हो गई। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। दूसरे टाकरे में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर सामने सामने होंगे।